या नरेंद्र मोदी जो इस देश का प्राइम मिनिस्टर है वो एक आतंकवादी संगठन का सरंगा है और एक आतंकवादी है। हमें सबसे पहले ब्राह्मणवाद को खत्म करना है। यहाँ पर सिद्ध हो गए वैज्ञानिक के तौर पर ये ब्राह्मण है वो इस देश का नहीं है। इसके लिए डीएनए टेस्ट पे एनआरसी होना बहुत जरूरी है। डीएनए रिपोर्ट के ऊपर आप एनआरसी लागू करो। अगर जिसका डीएनए छत्तीस से नहीं मिलता तो इस देश से बाहर हो। अगर हमारा नहीं मिलता तो हम हसी किसी देश को जाने के लिए तैयार है। अगर ब्रह्मन का नहीं मिलता तो भी देखता है वहाँ पर मिलता। आज डीएनए चेक करो आपको पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी। आपके अंदर हिम्मत है तो करके देखो। मोहम्मद युसुफ जकाती जनरल सेक्रेटरी जमीत उलमा अरशद मद्दी ग्रुप पुणे। भाइयों आप सबको पता होगा कि इस वक्त पूरे देश में आज एनआरसी सीएए और एनपीआर के बारे में बड़े बड़े मोर्चे निकाले जा रहे हैं। हर जगह जुलूस हो रहे हैं। आज पुणा में भी बहुजन क्रांति मोर्चे की तरफ से भामचेप की तरफ से बहुत बड़ी रैली निकाली गई और कलेक्टर ऑफिस के सामने इस वक्त का हमारा मोर्चा जारी है, जलसा जारी है। हमारे जो लीडर्स हैं वहाँ पे लोगों को खिताब कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। लेकिन आज आपको बताना चाहते हैं कि ये एनआरसी सीए और एनपीआर ये क्या मुद्दा है, इसकी ज़रूरत देश को थी क्या। आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। लेकिन हुकूमत उसको ताक में रख के उस पर ध्यान देने की बजाय फालतू मुद्दों पर लोगों को पब्लिक को उलझा रही है। अब एनआरसी जो लागू करना चाहते हैं हम उनसे कुछ न कुछ चाहते हैं कि जो आप एनआरसी लागू करना चाहते हैं जरूर कीजिए, लेकिन सबसे पहले ये यहाँ पर सिद्ध हो गया है वैज्ञानिक के तौर पर कि जो ब्राह्मण है बने वो इस देश का नहीं है। बाकी बहुसंख्यक जाति जो है वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, कोई भी मजहब का हो, सब भाई भाई हैं और देश के वासी हैं, देशवासी हैं। इस देश का कोई अगर बाहर का है तो सिर्फ ब्राह्मण है, क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है, टेक्निकली इसका सिद्ध हो चुका है। और इनको ये इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए और डीएनए टेस्ट के आधार पर सबसे पहले इनका एनआरसी होना चाहिए। इनको देश में रहने का अधिकार नहीं है। ये कुछ फूट भर लोग पूरे देश को, देश की जनता को बुला रहे हैं, फंसा रहे हैं और एनआरसी के नाम पे आपस में भाई भाई में फूट डाल रहे हैं। आज देख रहे पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, बुद्ध हो या जैन हो, हर जगह सब भाई भाई जैसा खड़ा हुआ है और इस काले कानून के खिलाफ लड़ रहा है। क्योंकि उसे पता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है इस संविधान के अंदर सबको बराबर का अधिकार दिया हुआ है। लेकिन ये ब्राह्मणवादी शक्ति, ये बाहर से आई हुई थी शक्ति, ये देशद्रोही शक्ति, ये जानबूझकर भाई भाई में नफरत पैदा रही है। आप हिंदुओं को, मुसलमानों के खिलाफ लड़ा रही है, ईसाइयों को, ब्राह्मणों को, सिखों के खिलाफ लड़ा रही है। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि देश का इतिहास है कि देश में जब भी मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ खड़ा हुआ है
तो इस देश से अंग्रेज नहीं, अंग्रेज पहले तो हमने गोरों को भगाया था, अब काले अंग्रेजों को भगाएंगे। इनकी औलाद है ये गोरे अंग्रेजों की औलाद, ये काले अंग्रेज है, तो इनको हम भगाएंगे इंशाल्लाह और जरूर भगाएंगे। हम सब एक है और हम चाहते हैं कि एनआरसी कानून रद्द हो, ये सीए रद्द हो, ये एनपीआर रद्द हो, जिस पर के लोगों का अन्याय हो रहा है, इस पर गरीब पीसा जा रहा है, गरीब के पास कोई पेपर नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, ये गरीब कहाँ से पेपर लाएगा, इसके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार होने वाला है। ये गरीब और अमीर की लड़ाई है, इसलिए तमाम भारतवासियों से मेरी विनंती है कि सब इस कानून के खिलाफ खड़े हो, सब एक और खड़े हो। आप हम भी पूरे रास्ते पे उतरे हैं, आज बहुजन समाज रास्ते पे उतरा है। मेरा नाम शोएब शेख है, मैं अरोनिया मुजुर्ग का एक कार्यकर्ता हूँ और आज जो देश में चल रहा है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस हुकूमत को, इस देश के प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहता हूँ, क्या इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने 2014 का अपना वो नारा शायद भूल गया है, जिन्होंने ये नारा लगाया था कि हम सब भारतीय हैं, उन्होंने ये नारा लगाया था कि हम सब भारतीय हैं, और आज वो इस भारत के नागरिकों के ऊपर चुन के आने के बाद में वो इस भारत के नागरिकता के भारत के उत्तर मतदाताओं को ये पूछ रहे कि आप भारत अपने भारतीय होने का सबूत। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो सबूत मांग रहे हैं, तो आप सबसे पहले आपका सबूत दो कि आप जो इस देश की सत्ता पर बैठे हैं, क्या आप उस सत्ता पे बैठने के लायक है या नहीं। अगर आप उस सत्ते पे बैठने के, आप अगर हमारे मतों के ऊपर, हमारे मतदान के ऊपर अगर आप चुनकर आए, तो आपको भी सत्ता के ऊपर बैठने के कोई लायक नहीं, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। ये आपका कहना है कि हम इस देश के नागरिक नहीं है, तो आप जो इस देश के नागरिक नहीं है उसके वोट के ऊपर बैठ कर आप किस तरह से कर रहे हैं, आपको क्या राइट है, आपको कौन से संविधान ने राइट दिया है कि आप इसके ऊपर राज करें, इस देश के ऊपर राज करें, इस देश के ऊपर अपनी हुकूमत चले। और दूसरी बात यह है कि ये जो चलता है ये संविधान पे चलता है। इस देश को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1950 में संविधान दिया है, और जो संविधान के ऊपर देश चल रहा है, हम उस संविधान को मानने वाले हैं। अगर मोदी हो, अमित शाह हो, या मोहन भागवत हो, या योगी आदित्यनाथ हो, कोई भी अगर इस संविधान पे उंगली उठाता है, तो हम उसका हाथ काट के फेंकेंगे। ये हमारी ताकत है, संविधान हमारी ताकत है, और इस संविधान के खिलाफ कोई भी बोलता हो, हम उसको पकड़ने वाले नहीं। ये हमारा वादा है इस देश की सरकार से। अगर इस देश की सरकार ने अपनी माँ का दूध पिया है, आज के जो सरकार चलाने वाले संसद है, आज का जो प्राइम मिनिस्टर है, आज का जो गृह मिनिस्टर है, इसने अगर अपनी माँ का दूध पिया है, तो आए और हमसे बैठ कर बात करे, हमसे बैठ कर बात करे और हमारे सवाल का जवाब दे, क्योंकि ये भगोड़े लोग है, ये देश के देशद्रोही लोग है, ये घुसपैठी लोग है, ये बाहर से आए हुए हैं, उनका डीएनए इस देश से नहीं मिलता। और इन्होंने जो इस देश के अंदर आज जो आतंक मचा रखा है, इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि भाजपा सरकार जो आतंकवादी संगठन है, और उसके पीछे आरएसएस का बड़ा हाथ है। और जबकि आरएसएस को ऑलरेडी यूरोप कंट्री ने आतंकवाद घोषित किया है, और आपको ये बताता चलूं कि अमेरिका की एक बड़ी बहुत खुफिया बड़ी एजेंसी है, जिसने ये साबित किया है कि नरेंद्र मोदी जो इस देश का प्राइम मिनिस्टर है, वो एक आतंकवादी संगठन का सरंगा है, वो एक लीडर है, और एक आतंकवादी है जो इस देश के अंदर आतंक मचा रहा है, जो हमसे पूछता है कि हमारी नागरिकता क्या है, हम पूछते हैं तुझसे कि तेरा डीएनए मिट्टी से मिला है क्या, तेरा डीएनए मिट्टी से मिला है, हम तुझसे पूछते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आप सब लोगों इस न्यूज के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी अगर व्यक्ति आपके दरवाजे पर आता है और आपके अगर कागजात पूछता है, आपसे आपके डॉक्यूमेंट मांगता है, तो सबसे पहले उसकी धुलाई करो, बाद में फिर उसको बोलना कि भाई दोबारा तू डॉक्यूमेंट मांगने के लिए। और उससे ये कहो कि इस देश का जो सबसे बड़ा देशद्रोही है, इस देश में जो सबसे बड़ा आतंक फैला रहा है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, पहले उसके हमको पेपर बता और उसका डीएनए हमको प्रूफ करा। और आपको ये मालूम होगा कि इस देश के डीएनए से ब्राह्मण समाज का कहीं भी डीएनए नहीं मिलता, ब्राह्मण समाज का इस देश से कहीं भी डीएनए नहीं मिलता, ये ब्राह्मण समाज बाहर से घुसखोरी है। अगर डीएनए चेक करना है, अगर आपको एनआरसी लागू करना है, तो डीएनए के चेक को, डीएनए रिपोर्ट के ऊपर आप एनआरसी लागू करो। अगर जिसका डीएनए इस बत्ती से नहीं मिलता, उसको इस देश से बाहर करो। अगर हमारा नहीं मिलता, तो हम हंसी खुशी देश से जाने के लिए तैयार है। अगर ब्राह्मण का नहीं मिलता, तो जिस देश से वहां पर भेजो। ब्राह्मण जो है और इस देश का प्राइम मिनिस्टर जो है, ये जाकर
इसराइल के तलवे काट रहा है। शर्म आनी चाहिए इतने महान देश के प्राइम मिनिस्टर को जो गैरों के जाके गैर देश में जाके उनके तलवे काट रहा है। हमारी मुख्य मांग एक ही है, अगर आपको एनआरसी लागू करना है, सबसे पहले तो हम एनआरसी के विरोध है, क्योंकि ये कायदा संविधान के नहीं मिलता और ये कायदा संविधान में नहीं है। अगर आपको एनआरसी लागू ही करना है तो आप पीएनए रिपोर्ट के बलबूते पर एनआरसी लागू करो, हम उसके लिए तैयार हैं। मैं मोहम्मद समीर इंडिया से और आज राज्यसभा में और लोकसभा में आज बीजेपी की मेजोरिटी है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि आज की सत्ता है, आज की उनकी मेजोरिटी है, तो कोई भी कानून ला के इस देश के जो जनता है उनके ऊपर लागू करना चाहती है। लेकिन देश की जनता कुछ और चाहती है और जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं वो कुछ और चाहती है। आज हम देखेंगे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से तक और यहाँ से लेके पूरा पूरी देश में जो है इस देश के उस कानून का CAA का और NRC का और NPR का पूरी देश में विरोध हो रहा है और इस विरोध को पूरी जो है मोदी सरकार जो है दबाना चाहती है। जिस तरह हम देखेंगे यूपी के अंदर घरों के अंदर घुस घुस के जो है पुलिस वाले जो है औरतों के साथ बलात्कार कर रही है और आग जाके जो है घरों के अंदर तोड़फोड़ कर रही है और लूटमार कर रही है। लेकिन केस क्या डाला जा रहा है लोगों के ऊपर कि आप जो है दंगाई है, लेकिन दंगा तो कोई और लोग कर रहे हैं। क्या कह रहे हो पुलिस वाला, एक पुलिस वाला कह रहा है कि पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानियों पाकिस्तान में जाके मोर चला लो। ये पुलिस वालों की जबान है, ये योगी सरकार की जबान है कि आप लोगों के हम बदला लेंगे। आप सरकार में हो, आपने जो है इस देश के संविधान के ऊपर वोट दिया है और आप क्या कह रहे हैं कि आप जो है बदला लेंगे। ये सरकार ऐसी बात करती है, बदला लेंगे आप किससे बदला लेंगे आप, जिसने आपको वोट दिया उनसे बदला लेंगे आप, ये क्या बात हो गई आपकी। तो इसलिए हम जो है ना ये पूरे देश के अंदर ये एक मोर्चा चला रहे हैं, पूरे देश के अंदर जो ये मोर्चा चला रहे हैं। इनको लग रहा है कि हम जो है कानून, आज अमित शाह ने कहा है कि हम एक इंच भी इस कानून से पीछे नहीं हटेंगे। हम अमित शाह को इस माध्यम से कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आपको ये जो बिल है ये वापस देना पड़ेगा। NRC होना बहुत जरूरी है जी। मेरा परिचय, मैं फिरोज खान, मैं एक भारत का नागरिक हूँ और मेरा बाप इधर का है। मेरा बाप का नाम सिद्दीक खान है, मेरा दादा का नाम मन्नू खान है, मेरा परदादा का नाम बक्कू जमादार खान है। मैं मेरे अगला 3 पीढ़ी का मैं बता रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ मिस्टर अमित शाह जी, जो आप हमारे इस देश के नागरिकों की आइडेंटिफाई मांग रहे हो, आप अपने ऐसे 3 पीढ़ी का नाम बताइए। हम जानना चाहते हैं कि आपका DNA जो है वो हिंदुस्तान या भारत का है क्या। मेरा DNA निकाल लो, एक खून DNA निकाल लो, वो पता चलेगा इस देश के अंदर में और ये हमारे जो खून है ना ये भारत का है, भारत का। हम मरेंगे इसके लिए, हम मिटेंगे इसके लिए। हमारे बाप दादाओं ने यहाँ पे जमीन पे इस जमीन के लिए आज़ादी के लिए अपनी गर्दनें कटाई है और आज हमसे आप पूछ रहे हो कि आपका DNA कहाँ का है, आप हिंदुस्तानी हो क्या, आप भारत के नागरिक हो। हम ये जानना चाहते हैं, आपने 2 करोड़ लोगों को नौकरी देना चाहते थे, क्या आपने 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिया? आपने 15 लाख रुपया दिया, आपने किसानों की परेशानी दूर करवाए, ये कुछ नहीं किया और आप फेल हो चुके हो। और इस वक्त अभी इंडिया का करेंसी की हालत इतनी बेकार हो चुकी है, मोदी जी, अमित शाह जी, हम लोग बांग्लादेश से भी पीछे जा रहे हैं, हमारी औकात ये बना चुके हो आप। मोदी जी, शाह जी, इसका हमको हिसाब मांगना था, इसीलिए आप हिसाब देना नहीं चाहते हो। आप बेकार के मुद्दे में लोगों को फंसाना चाहते हो, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहते हो, जबकि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे कौम ने मिलकर हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए लड़ा है और भारत के स्वतंत्र के लिए लड़ा है। और आज हम जो आज़ाद हैं, हमें बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया है वो लोकतांत्रिक अधिकार आप हमारा छीनना चाहते हो, हम ये हरगिज़ होने नहीं देंगे। क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने यहाँ पे खून बहाया है, हमारे बाप दादाओं ने गर्दनें लटकाई है झाड़ों पे या ये पेड़ों पे, इसीलिए आप हमसे आप पूछ नहीं सकते हो। आप DNA टेस्ट करो, भारत के नागरिक कौन है, सच्चा नागरिक कौन है, वो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएंगे। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप अगर एक माई की औलाद हो तो आप इस कानून को लगा करके देखो, हम भी आपको मान जाएंगे कि आप सच्चे भारत के नागरिक हो और आप सच्चे हमारे देश के गृह मंत्री हो। आप अपनी औकात को पहचानो, मोदी जी आपको देश ने राजा बनाया है, आप हमारी समस्या को पहचानना सीखो, आप हमारी समस्या से हमारे को भटकाओ मत। हमें 2 करोड़ लोगों को नौकरी चाहिए, मोदी जी
हमें 2 करोड़ लोगों को नौकरी चाहिए, हमारे घर पे आज बच्चों को खाने का नहीं है, हमें वो खाना चाहिए, हमें वो शिक्षा चाहिए। मोदी जी आप नहीं कर पा रहे हो तो आप रिजाइन दे दो प्लीज। मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, हमारे देश को बर्बाद मत करो। आपसे नहीं हो रहा है देश चलाना तो आप मत चलाइए। मोदी जी आप इस देश से रिजाइन दे दो, हम बुरा नहीं मानेंगे। कोई अगर गलती हो जाता है, गलती सुधारना चाहता है तो उसे इस देश एक्सेप्ट करता है और ये देश आपको एक्सेप्ट करेगा अगर आप अपनी गलती को स्वीकार करते हो। मोदी जी प्लीज आप देश के राजा हो, अभी सुधर जाओ, अभी समझ जाओ, नहीं तो अभी जितना जनता जागी है ना आपको छोड़ेगी नहीं, आपको छोड़ेगी नहीं। मोदी जी NRC आई है, इस NRC DNA के बेस पे होना चाहिए क्योंकि DNA ही मेन है। DNA से ही पता चलेगा हमें हम भारतीय नागरिक है क्या नहीं है। मैंने मेरे बाप का मेरे अगला पीढ़ी 3 महीने बताया कि DNA हमारे अगले पीढ़ी 3 DNA हमारा चेक कर लो कि हम भारत के नागरिक है क्या नहीं। जो बाहर से आए हुए आर्य से आए हुए लोग जो है वो हमसे पूछेंगे हमारा DNA, हम भारत के नागरिक है हमसे पूछेंगे। उनकी इतनी औकात हो गई कि हमसे DNA पूछेंगे हम भारत के रहने के बाद। ये हमारा मेन उद्देश्य है कि आज DNA चेक करो, आपको पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी। आपके अंदर हिम्मत है तो करके देखो, देखो माई के लाल है तो करके देखो तुम्हारे अंदर। हम भी मान जाएंगे कि कौन भारत का नागरिक है। जय भारत। तमाम OBC SC NT और तमाम मुसलमान भाई, तमाम बहुत सारे हिंदू भाई और मर्द और औरतें और तमाम माँ बहनें इस NPR CAA और MCR के खिलाफ एक साथ में आज आवाज़ उठा रहे हैं। आज सबको पता चल रहा है कि हमारा हक क्या है। आज जो लड़ाई हो रही सिर्फ अपने हक के लिए लड़ाई हो रही, ना ही कोई अपने मजहब को लेकर लड़ रहा है, ना ही कोई अपने कोई जाति दुश्मनी को लेकर लड़ रहा है। आज सिर्फ जो भी लड़ रहा है और वो भी लड़ रहे हैं किसके, अपने ही शासन और अपने ही सरकार के खिलाफ लड़ने का टाइम आया। इस वजह से कि सरकार खुद भूल गई है कि ये जनता ये हमारी जनता है, ये भारत की जनता है, जिन्होंने इनके बाप दादाओं ने इनके परदादाओं ने इस आज़ादी के अंदर कितना बड़ा योगदान रहा हुआ है, आज़ादी के अंदर कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी हुई है। दूसरी बात, इस भारत को आज़ाद करने में एक ही संगठन का इसमें हाथ नहीं है, कि मुसलमानों का इसमें हाथ नहीं है, ना हिंदुओं का इसमें कोई है। इसमें तमाम भारत के हिमाचल से लेके कश्मीर तक और कश्मीर से लेके पंजाब तक और पंजाब से लेके कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से लेके बांग्लादेश तक सारे मूल निवासियों का इसमें हक रहा हुआ है। जिस संविधान के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, कितना वक्त और कितनी जद्दोजहद करने के बाद ये संविधान हर एक गरीब से गरीब तबके तक पहुंचा हुआ है, हर गरीब से गरीब का हक अदा किया है इसके अंदर। और उस संविधान को हटाने के लिए, उस संविधान के अंदर तब्दीली करने के लिए नए नए शोध और रिसर्च करके क्या किया जा रहा है, गरीब से गरीब का हक मारना जाने चल रहा है। और चंद ब्राह्मणवादी और चंद मालदार लोग तबके के लिए क्या किया जा रहा है, इन तमाम NCR और NPR के जरिए से तमाम भारत के मूल निवासियों को सताया जा रहा है। इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 70% तो हमारा भारतीय क्या है, भारत का मूल निवासी गरीब है। इतने गरीब है जिनके घर के अंदर एक वक्त खाना भी सही से नहीं मिल रहा। जिस तरह ये ब्राह्मणवाद बढ़ते जा रहा है, जिस तरह से ये अमित शाह नरेंद्र मोदी की तानाशाही बढ़ती जा रही है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। इन्होंने खुद अपने रिजाइन लेटर है ना लोगों तक पहुँचा दिया जाए। ये हमारे लायक नहीं है भारत को चलाने के लिए। भारत को चलाने के लिए तो हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे, मौलाना आज़ाद जैसे लोगों की ज़रूरत है, ना कि भ्रष्टाचार के नाम पे पैसा लूटने वाले, लोगों को बैंक के अंदर पैसा डालकर खाने वाले विजय माल्या और बड़े बड़े मोदियों को भगाने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं हमें। हमें तो पढ़े लिखा तबका चाहिए जो पढ़ लिख कर खुद अपनी भी तरक्की कर सके, भारत की तरक्की कर सके और सारी दुनिया के अंदर भारत का नाम ऊंचा कर सके। क्यों आज भारत के ऊपर ज़्यादातर बड़े बड़े पोस्टों के ऊपर सिर्फ ब्राह्मण लोग हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ब्राह्मणवाद को ख़त्म करना है और हमारे जो पढ़े लिखा तबका है ना ST के लोग हैं इनको आगे बढ़ाना है। आज मुसलमानों के जो हालात दर से बदतर हुए उसको सुधारने के बजाय ये नए नए क्या कर रहे रूल लाकर भारत के मूल अनुसार सताया जा रहा है। इसके लिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस तरह से हर वक्त मोर्चे निकाले और हक के लिए ना अपनी लड़ाई को जारी रखें। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।